जिसने धरती से चांद की दूरी पाट दी, जो धरती से 384,000 किलोमीटर की दूरी तय करके चंद्रमा के करीब पहुंच गया, वो विक्रम लैंडर चांद पर क्या क्या करने वाला है? इसरो ने उसे कौन कौन से काम सौंपकर चांद पर भेजा है? अपने काम को पूरा करने के लिए विक्रम लैंडर के पास ऐसे कौन कौन से यंत्र हैं? बिना इसको जाने आप लैंडर को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। इसरो ने विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए पहले से ही एक सुरक्षित ठिकाने को तलाश रखा है, चांद की सतह पर मौजूद एक ऐसा ठिकाना जहां ना तो गड्ढे हैं और ना पहाड़ हैं। इसी के साथ वहां तापमान भी स्थिर रहने वाला है, यानी ना तो बहुत अधिक गर्मी और ना ही बहुत अधिक सर्दी। विक्रम लैंडर में अल्टीमीटर लगा है ताकि ऊंचाई का पता लग सके। इसमें वोलोसीमीटर लगा है ताकि लैंडिंग के वक्त लैंडर की सटीक रफ्तार की जानकारी रहे। इनर्शियल मैनेजमेंट सिस्टम लगा है ताकि लैंडिंग के वक्त संतुलन बना रहे। प्रोपल्शन सिस्टम लगा है ताकि लैंडर में लगे थ्रस्टरों पर कंट्रोल रहे। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम रखा गया है। विक्रम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ ही होता है साहस या वीरता। चंद्रयान 3 के लैंडर का जैसा नाम है ठीक वैसा ही काम है। विक्रम रोवर में राभा लगा है। राभा का पूरा नाम है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर, जो चांद की सतह के पास आवेशित कणों के घनत्व को मापेगा। विक्रम लैंडर में चेस्टे लगा है। चेस्टे यानी चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट। ये खास यंत्र चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह के तापमान को मापेगा। विक्रम के तीसरे खास यंत्र का नाम है इल्सा, यानी इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। इल्सा चंद्रमा की सतह पर आने वाले भूकंपों की जानकारी जुटाएगा। इस तरह चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम रहस्य के 7 तालों में बंद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की अनबूझ पहेलियों को सुलझाने वाला है।